चलिए चलिए सर हेलो स्टूडेंट कैसे हैं आप तो आज की जो वीडियो होने वाली है वो काफी बच्चों का जैसे कि मंडे भी एग्जाम है आप सभी का कुछ स्टूडेंट का और फिर इसके बाद एक और एग्जाम कब है सर ट्यूसडे भी है यानी आठ और नौ को एग्जाम है तो उसमें बच्चों का सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि एग्जाम किस तरीके से आता है चॉइस क्या रहने वाले हैं वो सारी चीजें एक बार हम देख लेते हैं मैं दोनों का ही डिस्कस करूंगा एक एक करके प्रोग्राम का भी और ऑनर्स का भी तो कुछ पेपर्स हैं मेरे पास और आज एक थ्योरी का भी चैप्टर हम कंप्लीट करेंगे हर चीज के बारे में डिस्कशन करेंगे हम ठीक है तो देखिए अगर देखें तो मैं सबसे पहले ये बीकॉम प्रोग्राम का पेपर बहुत सारी चीजें हर एक चीजें आपको पता होनी चाहिए और मैं कोशिश करूंगा कि मैक्सिमम चीजें आपको बता दी जाए ठीक है ना सबसे पहले हमारा एग्जाम जो आया था ये लास्ट ईयर का पेपर है तो उसी के बेस पे चलेंगे तो हमारा एग्जाम जो होगा दैट इज मार्क्स का होगा ठीक है पहली बात ड्यूरेशन कितने का होगा हमारा सर इसका ड्यूरेशन थ्री आवर्स का होगा अभी तक कुछ पेपर दे दिए हैं आपने तो आपको अच्छे से पता होगा कितने नंबर ऑफ क्वेश्चंस आएंगे तो मैं बताऊं आपको फाइव नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं ठीक है मैं हर एक चीज पर डिस्कस करूंगा एक एक करके अब देखिए जैसे कि पहला क्वेश्चन फर्स्ट क्वेश्चन सिक्स मार्क्स का है और इसके साथ एक और क्वेश्चन ट्वेल्व मार्क्स का है तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मार्क्स का आया वो दैट इज क्या आया सर हमारा सर ट्रू एंड फॉल्स तो काफी बच्चे इसमें गलती क्या करते हैं कि ट्रू एंड फॉल्स जो होता है उसमें सिर्फ ट्रू या फॉल्स लिख के आ जाते हैं और सोचते हैं कि हमने कंप्लीट कर दिया नहीं वहां पे आपको रीजन भी देना पड़ता है थोड़ा सा एक या दो लाइन के सेंटेंस का तो आप देखेंगे एक बार मैं लाइव वाले बच्चों का कमेंट भी देख लूं क्या है चल रहा है चलिए वो इस सभी को क्लियर है एक बार लाइव में जितने बच्चे हैं बता दीजिएगा वेरी वेरी गुड इवनिंग टू अगेन और बता दीजिए फटाफट से वो इस क्लियर है आपको आ, हो सकता है मे भी कई बार क्लियर भी नहीं होता मेरे हिसाब से तो क्लियर है यस सर ठीक है चलिए तो आगे देखते हैं आज हम थ्योरी भी पढ़ेंगे आप आराम से तसल्ली से कोई दिक्कत वाली बात नहीं है देखिए क्वेश्चन क्या पूछा गया जैसे अब किस पैटर्न पे और से ये भी जानते हैं गुड्स क्या एक गुड्स होता है यानी ये कहीं ना कहीं हमारा अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बीच में से क्वेश्चन लिया गया थ्योरी का पार्ट है ये एक नंबर का छह पॉइंट देखिएगा कहता है बेड डेट्स रिकवर शुड बी डिडक्ट फ्रॉम बेड डेट्स ऑफ द करंट ईयर कहता है, bad debts जो recover है वो करंट ईयर के false वैसे स्टेटमेंट तो ये कहीं ना कहीं फाइनल अकाउंट से आपको दिख रहा होगा, के, लिया होगा है. कहता है द एसेट्स इनकम आर नॉट ओवर साइड लाइबिलिटी जो एसेट्स है उससे ओवरसाइट स्टेटेड एंड लाइबिलिटी एंड लॉस नॉट अंडर स्टेटेड एस पर प्रिंसिपल एक्वल प्रिंसिपल प्रिंसिपल यानी ये थ्योरी का पार्ट आ गया सर मैं बताऊंगा कहा से क्या है कहां से क्या थ्योरी है सारी चीजों पे एक एक नंबर का थ्योरी आया है एन इंडिया अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आर इशूड बाय सिक्योरिटी एंड बोर्ड ऑफ एक्सचेंज वैसे तो आंसर मैं कह रहा हूँ फॉल्स है लेकिन ये कहां से आ गया सर ये भी थ्योरी से पूछा गया अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अब ये भी थ्योरी में से ही है द फंडामेंटल ऑफ अकाउंटिंग एजम्पन गोइंग कंसर कंजर्वेटिव एंड अक्रूवल सर कंजर्वेटिव नहीं है इसका इसका गोइंग कंसर्न तो है चलिए कहता है इंटरेस्ट रिसीव ऑन इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट पे अगर आपने इंटरेस्ट रिसीव किया मैन्युफैक्चरिंग कंसर्न इज नॉन ऑपरेटिंग इनकम ठीक है सर इंटरेस्ट रिसीव किया है मैन्युफैक्चरिंग का काम है तो सबसे पहले आपको थ्योरी और अकाउंट्स के बेसिक फंडामेंटल अच्छे से क्लियर होंगे तभी दे पाओगे मैं अभी बता तो दूंगा वैसे इसमें आंसर भी गिवन है ट्रू और फॉल्स आप देख के भी कर लेंगे लेकिन आपको बेसिक्स फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए ये हो गया ए पार्ट और ये सिक्स मार्क्स का पूछा गया तो क्या सर हमारे में भी ट्रू फॉल्स आएंगे बिल्कुल ट्रू फॉल्स भी आ सकता है और एम वैसे बहुत कम चांस है वो भी आ सकता है और थर्ड वन फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है इस बात का ध्यान रखिएगा पर ज्यादा मार्क्स का नहीं आएगा जिसके लिए आप बहुत ज्यादा राइट शॉर्ट नोट अब देखिए थ्योरी में देखेंगे डेटा एनालिसिस एंड अकाउंटिंग ये आपका कंप्यूटर वाले चैप्टर से आ गया ये कंप्यूटर वाले चैप्टर से आपका आ गया ठीक है ना ये तो गोइंग कंसर्न क्या है कहता है कोई भी दो लिखे तो अगर जिस बच्चे ने कर रखा हो उसे याद होगा देखो ये थ्योरी जो बच्चे कॉमर्स के हैं उनको पता है कि गोइंग कंसर्न होता है कि बिजनेस नेवर टू बी सेट डाउन इन फ्यूचर और आईएफआरएस क्या है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड जो कि एक इंटरनेशनली बनाया जाता है इसके बारे में शॉर्ट नोट लिखना है तो आपका ये बारह नंबर का है तो देखिए छ नंबर और छ नंबर ऐसे डिजाइन हुआ है आपका ये ठीक है ये प्रोग्राम की पेपर की बात कर रहे हैं हम इसी पे आगे बढ़ते हैं और ये रेगुलर का है एसओएल का ये चीजें नहीं मेंशन अब देखिए पहला फॉल्स है फिर फॉल्स है फिर फॉल्स है फिर फॉल्स है, है फिर ट्रू है अब ये सिर्फ फॉल्स नहीं लिखा देखो फॉल्स जैसे मैंने कहा था बेड डेट्स रिटर्न ऑफ ट्रीटेड एज एक्सपेंस ईयर और जो रिकवर है वो इनकम होता है तो क्यों फॉल्स है उसका एक एक लाइन दो दो लाइन में अपनी लैंग्वेज में जरूर बना के लिखे कि इसलिए होता है ऐसा नहीं कि तुक्का मार दिया आपने फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू चल यार एक काम करते हैं सबको ट्रू कर देते हैं नंबर तो मिलेगा ही ऐसा नहीं करना अब देखिए किसी बच्चे ने अगर सबको फॉल्स किया होगा तो नंबर नहीं मिलेगा उसे क्योंकि उसके पीछे वैलिड रीजन भी देना है ठीक है ना इस बात का ध्यान रखना है सर आईएफआरएस कहाँ पे है डेटा एनालिसिस कहाँ है ये रेड डिस्क्रिप्टिव एनालिसिस और ये डेटा अभी कंप्यूटर वाले चैप्टर पे आएंगे पहला क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया पूरी तरीके से तो नाउ पिछले साल के एग्जाम के पैटर्न को अगर हम देखें तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है और यही पेपर था आपका सीबीसीएस वाला पेपर नहीं देखना आपने तो जो फर्स्ट क्वेश्चन था वो टोटली totally था बेसिस पे यानी अठारह नंबर का अभी बच्चों के माइंड में सर थ्योरी कितना पढ़ना है नहीं पढ़ना वो सब डिस्कस करेंगे दूसरा क्वेश्चन आ गया हमारा किसका सर अगर देखा जाए तो ये हमारा बारह नंबर का एक क्वेश्चन आया है दैट इज प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट जिसको हम सिंपल पुराने टाइम पे इसको डेप्रिशिएशन चैप्टर के नाम से जानते थे तो वही है इसके अंदर कैसे हैं क्वेश्चन टफ है या इजी है मैंने खूब सारे इस टाइप के क्वेश्चन कराए हुए हैं क्लास के अंदर यूट्यूब पे भी डाला है एप्लीकेशन में भी लिया है तो आप उसको पढ़ के फिर भी अगर किसी बच्चे को डाउट होता है ना तो प्लीज आप मुझे बताइएगा मैं सोल्यूशन कर दूंगा वीडियो में कोई पॉइंट डाउट हो अब बच्चे पता है कई बार क्योंकि इसमें वेल well सोल्यूशन गिवन है कई बार स्टूडेंट क्या करते हैं कि डाउट होता नहीं है वो सिंपली क्या करते हैं इमेज क्लिक करके दे देते हैं समझ नहीं आए बता देंगे तो वो थोड़ा आपका अप्रोच गलत है आप पहले पूरा पढ़िए फिर मैं जब समझाऊंगा तो अच्छे से समझ में आएगा तो यानी पहला क्वेश्चन थ्योरी हुआ और मैं लिख भी लेता हूं आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ताकि एनालिसिस आपके साथ साथ ही पेपर करें ठीक है ना आपके साथ साथ ही पेपर एनालिसिस हो जाए तो ज्यादा बेहतर है थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी लेकिन क्या करें देखो अब मैं लंबी के ऊपर नहीं जा रहा काम तो आपका ही है तो अभी जो मैं डिस्कस कर कर रहा रहा हूं हूं सर बीकॉम, सर ये प्रोग्राम का कर रहा हूं, पेपर ठीक है ना बीकॉम प्रोग्राम का पेपर कर रहा हूं मैं आपके साथ और इसके अंदर दैट इज हमने देखा सर जो क्वेश्चन नंबर वन है उसके अंदर फुल्ली थ्योरी था और एक बात और नोटिस करना क्वेश्चन नंबर वन के और में हमें कुछ ऐसा नहीं मिला कहता है ऑल क्वेश्चंस आर अटेम्प्ट अब तो यहां पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर वैसे जनरली ऑप्शन में आता है लेकिन इसके ऑप्शन में हमें कुछ भी नहीं मिला सीधा डायरेक्टली क्वेश्चन नंबर टू आ गया ठीक है अब क्वेश्चन नंबर टू में पहला प्लांट एंड मशीनरी जनरली अब भी मान के चलो जिनका नौ तारीख को एग्जाम है उनका भी यही पैटर्न रहने वाला है इसके बाद देखा जाए तो इसके साथ साथ आपका ये देखिए इनवेंट्री यानी आप देखेंगे तो दैट इज यूनिट नंबर टू ये यूनिट नंबर भी है और हमारे पेपर में दूसरा क्वेश्चन तो लगभग लगभग जिस यूनिट का जो सिचुएशन होता है वहीं पे वो क्वेश्चन जाके एडजस्ट करते हैं एग्जामिनर पैटर्न और डी के जो एग्जाम पैटर्न सेट होता है उनका भी यही कहना है कि आप पिछले साल के पेपर पे ज्यादा फोकस करेंगे उनके क्वेश्चन पेपर को जरूर सॉल्व करिए उसी पैटर्न पे क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे तो ये आपका आपका जैसे कि कि मान लेते हैं कि एक क्वेश्चन था ये ये सिंपल सा है क्या था था सर नंबर का पूरा क्वेश्चन इसके साथ साथ अब देखिए ये और बी पार्ट एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस पॉइंट रिगार्डिंग प्रॉपर्टी प्लांटेड इक्विपमेंट तो क्लियरली यूनिट नंबर टू का ही थ्योरी है ये। यानी एक प्रैक्टिकल और एक थ्योरिटिकल और उसका बी पार्ट आ गया तो टोटल ये बारह नंबर का ये क्वेश्चन बन के आया है नब्बे का पेपर आएगा जिसमें से बारह का बन गया है ठीक है तो आपका ये बात तो क्लियर हो गया कि सर यूनिट नंबर वन पूरा थ्योरी आ रहा है यूनिट नंबर टू के अंदर से सिर्फ बारह नंबर का क्वेश्चंस बना है और बच्चे पूछ रहे थे सर कैसा पैटर्न आएगा नहीं आएगा तो मैं लिख भी लेता हूं सर ये क्वेश्चन जो अब यूनिट नंबर टू की बात कर रहे हैं यूनिट नंबर टू प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट इसका भी प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा गया और इन्वेंट्री इसका भी प्रैक्टिकल आया ऐसा नहीं है कि इसके और में नहीं आया इसके और में ऑप्शन में, में आपको कहीं ना कहीं कुछ कुछ पार्ट थ्योरी भी मिला है आपको चलिए दो क्वेश्चन हो गए चलिए सर अब जैसे ही हम आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन थ्री स्टार्ट हो जाता है क्वेश्चन थ्री प्योरली आपका फाइनल अकाउंट और एनपीओ में चॉइस रहता है फाइनल अकाउंट और एनपीओ में चॉइस रहता है तो आप देखेंगे ये फाइनल अकाउंट का क्वेश्चन है और इसके अंदर जीएसटी भी आया हुआ है तो इस क्वेश्चन इन ऐसे क्वेश्चन को जरूर करें और आप नोटिस करेंगे कि इसके एडजस्टमेंट में बहुत कम चांस होता है तो जीएसटी नहीं आया एडजस्टमेंट में तो अठारह नंबर का एक क्वेश्चन बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है मेरा मानना है ये जिसको कि आप बहुत इजीली कर सकते हैं अब ये पेपर देखिए मैं दिखा रहा हूँ ये लास्ट ईयर का पेपर है जिन बच्चों ने टेन ईयर खरीदा है नहीं खरीदा है वो मैं अपने चैनल के ऊपर जाके ये पेपर पूरा अपलोड कर दूंगा आप जाके डाउनलोड करके प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा चैनल कह रहा हूँ मैं सॉरी अपने एप्लीकेशन के ऊपर प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा इन पेपर का ठीक है ना सिर्फ एक पेपर में डाल दूंगा ये जिसने टेन ईयर ले रखा है तो लास्ट में देखेंगे तो आपको जरूर मिल जाएगा ये मैं एनईपी की सिर्फ डिस्कशन कर रहा हूँ सी बी सी एस का नहीं कर रहा हूँ अगला ये देखिए पूरा सॉल्व है तो आपको दिक्कत ही नहीं आएगा इसका कैसे सॉल्व है इसके और में देखिए आया नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन रिसिप्ट एंड पेमेंट और ये भी कितने का आया सर ये भी उन्नीस अठारह नंबर का ही आया नब्बे नंबर का पेपर होता है तो सर जो हमारा क्वेश्चन नंबर तीन बना क्वेश्चन नंबर थ्री बना एक फाइनल अकाउंट ये प्रोग्राम की बात चल रही है फाइनल अकाउंट और इसके और में आ गया सर दैट इज एनपीओ तो ये बात तो क्लियर हो गया कि फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर में से और एनपीओ वाले चैप्टर में से हमें थ्योरी बिल्कुल भी फोकस नहीं करना उसमें से हमें क्या देखना है बहुत सिंपल सी बात है उसमें से हमें टोटली totally जो फोकस्ड होना है वो फोकस्ड होना है प्रैक्टिकल पे तो ये तो हमारे लिए बहुत एडवांटेज है कि ये क्वेश्चन आएगा ठीक है फाइनल अकाउंट ज्यादा इजी रहता है स्टूडेंट का जो परसेप्शन है मैं ये बता रहा हूं आपको आ जाते हैं सर क्वेश्चन नंबर नंबर के बाद देखिए क्वेश्चन चार आया किससे ब्रांच से दैट इज यूनिट नंबर आपका फोर आ जाता है ठीक है ना क्वेश्चन चार यूनिट फोर ब्रांच से आया क्वेश्चन जरूर करिएगा एक सिंपल सा क्वेश्चन अठारह नंबर का आया कोई ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था पिछली बार का पेपर तो आसान और इस बार भी आसान आएगा नो no डाउट ठीक है ना बस आप चीजों को अच्छे से लिखिए पूरे पूरे वर्ड यूज करिए ऐसा नहीं कि शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया आपने जैसे कि कुछ बच्चे बहुत सारे शॉर्टकट यूज करते हैं पढ़ते टाइम पे आउटस्टैंडिंग को ओएस लेकिन पेपर में ऐसी गलती ना करें आप इसके बाद आगे चलते हैं इसके और में और में भी देखिए आपको सीधा सीधा ब्रांच अकाउंट का ही क्वेश्चन आ गया है यानी सर एक बात तो फिक्स हो गया है यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर चार पूछा गया हमारा और ये हमारा ब्रांच का था तो एक बात फिक्स हो गया कि सर क्वेश्चन नंबर जो चार है ये ब्रांच का क्वेश्चन होगा ऐसा ही आपको तैयारी करना है और ये ऑप्शन जरूरी देखो चांसेस बनते हैं लेकिन आपको इस पैटर्न को ध्यान रखना है कि इसमें से प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा मैटर नहीं करता कि क्वेश्चन तीसरा आ रहा है या फिर क्वेश्चन दूसरा आ रहा है तो देखिए तीन यूनिट आपके तो पूरे प्रैक्टिकल में ही निपट गए एक तरीके से देखो तो आप है ना तीन यूनिट तो पूरे पूरे प्रैक्टिकल तो जो बच्चे प्रैक्टिकल करेंगे थ्योरी का पहला यूनिट है प्योरली थ्योरी तो अब 18 ये 12 नंबर का था ये 18 और 18 का था ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर फाइव पे सर क्वेश्चन नंबर फाइव का प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ गया सर किसका डिफरेंस बिटवीन द ब्रांच एंड डिपार्टमेंटल एक थ्योरी का पार्ट आ गया अगेन बारह नंबर का एक बी पार्ट आ गया इसमें कि पी लिमिटेड लीज लीज एंड है फॉलोइंग आइटम का क्वेश्चन आ गया बारह नंबर का और जो पिछली बार आया था ना मैंने क्लास में कई मरतबे इस टाइप के क्वेश्चन कराए हुए हैं आप देखोगे तो मैं अभी सिर्फ आपको ये क्वेश्चन कैसे हुआ नहीं हुआ ये बताना नहीं चाहता पेपर का पैटर्न बताना चाहता हूं अब इसके साथ साथ आगे चलते हैं सर आगे चलते हैं ए और बी इसके और में क्या आया ए और बी में डिफरेंस बिटवीन द ऑपरेटिंग लीज एंड फाइनेंसिंग लीज एंड डिपार्टमेंटल क्वेश्चन नंबर हमारा क्या था हमारा ये पांच था क्वेश्चन नंबर पांच था डिपार्टमेंटल का क्वेश्चन आ गया और ऊपर भी देखेंगे तो क्या था सर एक लीज का क्वेश्चन और एक डिपार्टमेंटल का कौन सा डिपार्टमेंटल का ये ब्रांच और डिपार्टमेंटल यानी सर क्वेश्चन नंबर पांच का बिहेवियर मैं देखू चलिए हाँ तो क्वेश्चन नंबर पांच जो आया हमारा कितने का आया सर ये ये आ गया हमारा टोटल बारह और छ अठारह का तो बारह और छ अठारह नंबर का आ गया तो क्वेश्चन नंबर जो पांच आ रहा है ना ओहो क्वेश्चन नंबर जो पांच आ रहा है चलिए मैं इधर लिख देता हूं क्वेश्चन नंबर पांच तो भैया क्वेश्चन नंबर पांच जो आ रहा है वो लीज में से आ रहा है और डिपार्टमेंटल से तो प्रोग्राम वाले स्टूडेंट जितने भी हैं एक बार तो एग्जाम पैटर्न अपने दिमाग में फिट कर लीजिए कि आपका पेपर इसी पैटर्न पे आएगा मैंने आपको लीज भी कराया हुआ है मैंने आपको डिपार्टमेंटल भी कराया हुआ है मैंने आपको ब्रांच भी कराया हुआ है मैंने सारी चीजें लगभग लगभग लग कवर की है। अभी मैं दो तीन पेपर डिस्कस करूंगा आपको क्लियर हो जाएगा तो भैया एक पेपर का पैटर्न तो ये था किसका था सर बी प्रोग्राम का चलिए और भी देख लेते हैं क्या कोई और भी तो ये पूरा का पूरा हमारा पेपर का पैटर्न किसका था प्रोग्राम का सर नब्बे नंबर का पेपर आएगा लेकिन मुझे कहीं ना कहीं लग रहा है कि कुछ मार्किंग में गलती तो नहीं हुई है मैं एक बार चेक कर लेता हूँ क्योंकि पहला क्वेश्चन तो अठारह का था दूसरा बारह है और छे का एक मिसिंग हो गया मेरे से लगता है पहला क्वेश्चन था ये बारह नंबर का ये छे का अठारह बी पार्ट में भी छ छ नहीं बी पार्ट आप ध्यान दीजिएगा हाँ ठीक है छ छा इसके और में कुछ भी नहीं आया और आई थिंक से ना ये बारह नंबर का क्वेश्चन है एक क्वेश्चन मिसिंग है हाँ मैं वही कह रहा था एक्सप्लेन इंपॉर्टेंस ए एस टू का इंपॉर्टेंस बताना है और बारह का ये अठारह ठीक है और इसके बाद इसके और में भी देख लें क्या आया और में छे नंबर का ये है और बारह नंबर का ये है ठीक है ठीक है पूरे नब्बे नंबर का हो गया हमारा तो ये हमारा प्रोग्राम का पूरा का पूरा पैटर्न है सर अब क्वेश्चंस में देखो बच्चे बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि थ्योरी के लिए परेशान हो रहे हैं कि सर थ्योरी अभी मैं बात भी करूंगा थ्योरी कहाँ से पढ़ना है एक बार फिर से मैं अब जो आगे डिस्कस करूंगा इसके बाद ऑनर्स का पेपर करूंगा तो ऐसा नहीं है कि प्रोग्राम वाले बच्चे सिर्फ सोचेंगे कि ऑनर्स का पढ़ना चाहिए या ऑनर्स वाले बच्चे सोचे प्रोग्राम का पढ़ना चाहिए मैं एक बार